हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आपके अपने चैनल यूनिक बेबी नेम्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टू लेटर वर्ड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दो अक्षरों वाले नाम। और ये जितने भी मैं आज आपको नेम्स बताने वाली हूँ, ये आपके बेबी बॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी रहेंगे पुकारने में आसान। और जैसे बुज़ुर्गों को शिकायत होती है, ये कैसा अटपटा सा नाम रख दिया, हमें तो बोलना नहीं आ रहा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेम्स सभी ही काफ़ी आसान रहेंगे और उनको पसंद आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से नेम्स आपके लिए रहने वाले हैं। नंबर वन पे है अवि, और इसका मीनिंग जो है वो है ऑनेस्ट, और हिंदी में इसको ईमानदार बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्थ, और इसको अर्थ जो है इसका वो है रूलर, और स्टार हिंदी में शासक और सितारा कहते हैं इसको। नेक्स्ट है यश, और यश का अर्थ होता है फेम, और हिंदी में प्रसिद्धि कहते हैं। नेक्स्ट इज दक्ष, दक्ष का अर्थ होता है प्रीशियस और कीमती। नेक्स्ट है आदि, आदि का अर्थ है इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी, और हिंदी में और बोल सकते हैं इसको आवश्यक। नेक्स्ट इज लक्ष्य, और अर्थ रहेगा इसका डेस्टिनेशन और लक्ष्य। उसके आगे है राही, राही मीन्स अ ट्रैवलर और यात्री। नेक्स्ट इज अभी, अभी का अर्थ होता है फियरलेस और निडर, जो किसी से नहीं डरता। नेक्स्ट इज अपू, अपू का अर्थ होता है क्यूट और प्यारा। नेक्स्ट इज अने, अने मीन्स हिंदू बॉय, हिंदू लड़का। नेक्स्ट इज भीम, भीम का अर्थ होता है फियरफुल और भयभीत। नेक्स्ट इज ध्रुव, ध्रुव हम एक ध्रुव तारा होता है, उसके नाम से हम ध्रुव रख सकते हैं नेम, और इंग्लिश में इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गर्व, और गर्व का अर्थ होता है प्राउड और गर्व। नेक्स्ट इज हर्ष, हर्ष मीन्स प्लेजर और प्रसन्नता। उसके आगे है नील, नील का अर्थ होता है नीला रंग और ब्लू कलर। नेक्स्ट इज अनेजी, नेजी काफ़ी अच्छा नेम रहेगा, मुझे काफ़ी पसंद है ये। इसका अर्थ रहेगा पेस मेकर और लीडर। नेक्स्ट इज नब, और नब का अर्थ होता है स्काई और आकाश। नेक्स्ट इज धनु, और धनु का अर्थ होता है मैन ऑफ वेल्थ और धन का आदमी। नेक्स्ट इज ओम, और इसका अर्थ होता है मौलिक ध्वनि। नेक्स्ट इज पूरव, और पूरव का अर्थ होता है ईस्ट, जो कि एक दिशा है। नेक्स्ट इज प्रेम, और प्रेम का अर्थ होता है प्यार और लव। नेक्स्ट इज राणा, राणा का अर्थ होता है जॉय और हर्ष और हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मणि, मणि एक जेम को बोलते हैं जो कि रत्न होता है, वो भी रख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज प्रण, प्रण हम प्रतिज्ञा को भी बोलते हैं, और इसको यहाँ पे हम लाइफ को भी बोल सकते हैं, तो आप जो चाहे रखना चाहे अर्थ उसके अकॉर्डिंग नेम जो है रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपु, और रिपु का अर्थ होता है एनिमी और दुश्मन। नेक्स्ट इज साज, साज का अर्थ होता है मेलेडी और स्वर की मधुरता। नेक्स्ट वन इज शेल, शेल का अर्थ होता है माउंटेन, और हिंदी में हम इसको पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट इज शान, जो कि बहुत ही फेमस सिंगर का नेम है, वो भी आप रख सकते हैं। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा प्राइड और गौरव। नेक्स्ट है श्रेय, श्रेय मीन्स क्रेडिट और श्रेय देना। नेक्स्ट इज श्री, जिनको ज़्यादा शॉर्ट नेम चाहिए तो वो श्री भी रख सकते हैं, इसका अर्थ होता है रिस्पेक्टेड और आदरणीय। नेक्स्ट है वासु, वासु का अर्थ होता है वेल्थ और धन। नेक्स्ट इज वीरा, वीरा मीन्स ब्रेव और बहादुर। एंड द लास्ट वन इज यश, दैट मीन्स विक्ट्री और विजयी। तो ये थे टू लेटर वर्ड्स, जो नेम्स थे मैंने आपके लिए लेके आई आज। काफ़ी खुद से मैंने सिलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं कि जो आपको पसंद आए, और आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी ही सिमिलर वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।